तो ये बताइए, ऑनलाइन वाले भी और आप भी, कि कौन कौन से पेपर्स आप लोगों ने दिए हैं? R2 टैक्स, R1 कॉस, ये चार दिए हैं? किसने दिए चार? R1, R2 और R1 टैक्स और कॉस्ट। कॉस्ट के बाद MFA। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसने कॉस्ट अभी तक ना पढ़ी हो और वो डायरेक्ट MFA में लैंड कर गया हो? कोई है ऐसा बाशिंदा? तुम तो एग्जाम हो ना वैसे। कोई और जो बगैर कॉस्ट पढ़े MFA में आया हो? ऑनलाइन में कोई है? नहीं, आवाज आ रही हो? R1 CA में ऑडिट टैक्स R1। सर मैंने नहीं पढ़ी। यस सर मैंने नहीं पढ़ी। एक भाई हैं जिन्होंने 4 दफा बताया कि मैंने नहीं पढ़ी, यानी कि वो 4 बंदों की नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं। कैसा लगा अभी तक आपको MFA की 2 घंटे की लगातार क्लासेस पढ़ना? बोर? चलो, किन किन को बोर लगा? एक, दो और तीन। एक सेकंड, तीन और किन किन को बोर लगा ऑनलाइन में से भी? किन किन को बोर लगा कि पहले फाइनेंस पढ़ो और उसके बाद थ्योरी पढ़ो, और वो भी कंसेकटिवली एक सब्जेक्ट को 2 घंटे बैठ के पढ़ना? असलियत नहीं होती, नहीं आदत तो अभी हुई हुई है ना। आठों की ढाई ढाई घंटे की क्लास ली हुई है। अच्छा, R1 की भी ली हुई है। तो क्या लग रहा है कि जवाब साहब कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे फाइनेंस का? जवाब साहब, जवाब सबका पूछो। असल में वो आप पे रिलाय बहुत कम करते हैं, उनको आता है कि मैं खुद सब कुछ करवा दूं, जो कि एक अच्छी अप्रोच है। डिपेंडिंग अपॉन के हमारे जो शागिर्द है वो कैसे हैं। आप लोग घर का काम से करके आते हैं? नहीं, आप पहले अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग मजा आती है करने में। तो फाइनेंस पोर्शन अकाउंटिंग कब से हो गया? ये तो न्यूमेरिकल हुआ ना। अकाउंटिंग तो फिर वो FR1 और FR2 वाला, ऐसे तो ना करो यार, ऐसे तो। अच्छा, मैनेजेरियल पोर्शन अभी तक ये कैसा लगा? कितने बच्चे जो कि सीधा से डायरेक्ट आए हैं यहाँ पे MFA में? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, जिन्होंने लास्ट टाइम सीलो पढ़ा और सीलो का पेपर दिया हुआ। वैसे रिजल्ट से क्या उम्मीद है? कितने बच्चों को लगता है कि वो रिजल्ट आने के बाद MFA को ड्रॉप कर देंगे? कितने बच्चे इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा फौरन से हमने MFA को ड्रॉप कर देना है तुम्हारे अलावा? कितने बच्चे हैं जो कि इसी नीयत के साथ आए हैं, जैसे ही रिजल्ट आया एक आधा पेपर भी फिसला तो हमने सारा कसूर MFA पे डाल देना है? कोई ऐसा? कोई भी नहीं है यार। ये बच्चों का नाम नोट कर लो, इनका किसी का भी अगर MFA ड्रॉप हुआ ना, हमने इनसे फाइन ले लिया। ओह, इन्होंने कंट्रोल लगाया है, ये अच्छा किया। हमारा प्रॉफिट लॉस कहाँ मरता है? हम तो वैसे ही पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं। कंपेयर करना कभी किसी भी ऑनलाइन के साथ या किसी भी फिजिकल कॉलेज के साथ एक दफा कंपेयर करना। जी, स्क्रीन और कैमरा मैंने अब तक शो नहीं किया क्योंकि अभी हम सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं। अच्छा, किसने 4 पेपर दिए? एक, चार वाला मर्द मुजाहिद कौन है? एक आप हो गए, और कौन है? कोई भी नहीं है। चार कौन से दिए? ऑनलाइन है ग्रुप ए के चारों। ऑनलाइन में हमारे पास है कोई? हाँ जी, ऑनलाइन में एक खातून है जो कह रही है सर मैंने 4 पेपर्स दिए हैं। ठीक है, ये बताइए कि 4 पेपर्स में जब आप तैयारी कर रहे थे,
आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चारों इजीली मैनेज हो गए थे? मुश्किल हुई थी तो कौन सा ऐसा पेपर है जो कि बहुत अच्छा हुआ और कौन सा ऐसा पेपर है जो कि बहुत खराब हुआ? कॉस्ट का खराब हुआ। कि कितना खराब हुआ, क्या चांस है पास होने का? नहीं, फिर भी दिल क्या करता है? हो जाए तो पेपर पूरे मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया था। सही है। और कोई ऑनलाइन में कोई जिन्होंने चार दिए हो और उनका क्या हाल रहा? अगला सवाल, क्या यहाँ पे हम वो फाइन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं? पक्की बात है। हाँ सर को नहीं, बच्चों को यू सीधा वाला सभी उनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहना नो, मैंने कहना ओके। हाँ जी, हाईटी का कब फैसला हुआ था कि हाईटी होगी? कभी हमने कहा वो तो सी लॉ के एंड पे जाके हुई थी हाईटी हमारी। हाँ पूछो पूछो। फायदा फायदा, आर्टिकल पे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड में हमेशा स्किल्ड को प्रेफर किया जाएगा जनाब। नहीं, आई डोंट सपोज। जी कोई और सवाल? सीसी के बारे में। अच्छा, पेपर क्लियर हो जाते हैं, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, दो पेपर है ठीक है, तो उसके साथ क्या पीसी करना चाहिए बाद में? नहीं, साथ ही कर लो ज्यादा बेहतर। तो वो पता नहीं, बैंक क्लैश भी तो आ सकता है। बेहतर तो यही कि साथ करके उसको साइड पे लगा दिया जाए, वरना अदरवाइज ये तलवार और लटकती रहेगी, कभी भी गिर सकते हैं। बेटर यही है कि उसको साथ ही खत्म कर दिया जाए। तो कौन सा कैंपस है यही? मतलब ये एक सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, इससे कोई 5-10 हज़ार रुपये ऊपर वो होगा और उससे 5-10 हज़ार रुपये ऊपर वो वाला होगा। हाँ, तो अक्लमंद के लिए इशारे काफी होता है। मेरा ख्याल से दिस इज मच मोर सब्सिडाइज पूरे शहर लाहौर में। वो तो कहने पे है ना, वो तो लिस्ट प्राइस है ना 15। हाँ तो एक का 15 है या 15 × 2 क्या होता है? नहीं फिर नहीं है, बट स्टिल एक दफा ना वो डायरेक्टिव देख लिया आईकैप का, मैं कुछ मुझे आया होगा। कोई बात नहीं, क्यों परेशान? आप बात करो, शायद आपको 10 में दे दोनों दे देंगे यार, क्यों परेशान? परेशान नहीं, हम हैं ना बैठे हुए। अच्छा ये हुआ था। अच्छा जी, ये बताइए कि MFA में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं? मार्केट सीख लिया, मार्केट हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन हो गई है, लाइफ साइकिल हो गई है, BCG हो गया। BCG क्या? Boston Consulting Group। क्या ये एक मॉडल का नाम है या ये एक कंपनी का नाम है? मैट्रिक्स जब आप लगाते हो ना तो वो फिर मॉडल बन जाता है, अदरवाइज ये एक कंसल्टिंग कंपनी है, Boston Consulting Group का पूरा, जो कि ढेरों पैसे लेके ये वाला काम करते हैं कंपनी। कभी रिसर्च की है? करना पता है, BCG के ऊपर ना इन्होंने बहुत काम किया है, एप्पल के ऊपर काम हुआ है, नेस्ले के ऊपर काम हुआ है, बेतहाशा कंपनी जिनके ऊपर इन्होंने ये सारा मैट्रिक्स बनाया हुआ है प्रोडक्ट वाइज, कौन सी प्रोडक्ट इनकी स्टार है, कौन सी डॉग है, कौन सी क्वेश्चन मार्क है। एक दफा ना ये देखना आप लोगों ने, इस सैटरडे को या संडे को जब भी टाइम मिले, जब भी मूड में हो ना, तो थोड़ी बहुत ना कॉन्सेप्ट को रिसर्च के अंदर लेकर आया करे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अदरवाइज तो वही किताब की थ्योरी है, देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ी सी ना हमें कंप्यूटर की शक्ल, गूगल पे जाके, मतलब गूगल पे आप जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो आप वीडियोज देख रहे होते हैं, उनकी जगह पे आप अगर थोड़ी बहुत सर्च कर लें
इस के ऊपर भी, तो शायद आपको वो फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। और क्या पढ़ा इसमें, और कौन सा मॉडल है? फाइव फोर्सेस, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा ना बीएमबीएस के अंदर। बीएमबीएस वाला कहाँ सकते, बीएमबीएस वाला कोई बच्चा है हमारे पास? एक यार, बहुत ही पुराने हो। और इसके अलावा आप दो, और यार उन दोनों को तो देखकर मुझे समझ आती है। आप भी कब से होती है? 2020 में स्टार्ट किया था, 20 में टाइम स्केल भी की थी। तो कितने दफा दिया अभी एमबीएस का पेपर? कितने दफा रह गया था? 30s में रहा था, सही। तो फाइव फोर्सेस पढ़ा होगा फिर आपने बीएमबीएस में भी, है ना? वहां पे था फाइव फोर्सेस। चले उसी पे सवाल कर लेते हैं। फाइव फोर्सेस की फाइव फोर्सेस कौन सी होती है? कंपटीशन, स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है? स्विचिंग कॉस्ट मुझे कुछ समझ नहीं, दोबारा एक सप्लायर से उठ के किसी और के पास चले जाए, दैट इज स्विचिंग कॉस्ट। क्या हमेशा आसान होती है या स्विच करना इतना ही आसान होता है? नहीं होता। अभी आपकी मिसाल कर लेता हूँ, आपने कहा कि हम यहाँ से करें या वहां से करें, ये स्विचिंग कॉस्ट नहीं है? स्विचिंग कॉस्ट है ना, हाई है। प्लस सिर्फ कॉस्ट ही नहीं है, टाइम भी है, कैंपस की फैसिलिटी भी है। यहाँ पर तो आप आए हुए हो, यहाँ से उठ के वहां पे जाना वो भी देख स्विचिंग कॉस्ट है, पेट्रोल लगाना वो भी एक आपकी स्विचिंग कॉस्ट तो है। तो क्या स्विचिंग कॉस्ट हमेशा आसान होती है या हमेशा मुश्किल होती है? वेरी कर सकती है। कैसे करेगी वेरी? अगर सप्लायर कम है तो स्विचिंग कॉस्ट जाने पड़ता है, या क्योंकि कंपटीशन मार्केट में इस लेवल का नहीं होगा। अगर तो सप्लायर बहुत ज्यादा है तो स्विचिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि आपको ज्यादा वैरायटी मिलेगी। करें मिसाल कर लेते ना, एक ये कैंपस करवा रहा है, एक वो कैंपस करवा रहा है, वो थोड़ा सा महंगा करवा रहा है, ये थोड़ा सस्ता करवा रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हो, आपकी जेब में है 8,000, अब बताओ आप स्विच करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे। आप इस कॉलेज के पास आते हो, आप कहते हो यार मुझे, मेरे पास इतना ही है, इतना ही पे कर सकता हूँ, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? वो कहते हैं नहीं। आप क्या करोगे? यानी आप जाओगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के पास, उनसे हेल्प लोगे या घर से पैसे अरेंज करवाओगे? यानी कि स्विचिंग कॉस्ट करना इतना रिलेटिवली आसान आपके लिए नहीं है। अगर आपको जेब में पैसा हो, अगर आपको जेब में अगर पैसा है तो फिर आसान है, फिर आप ये छोड़ के कहीं और से भी कर सकते हो। अब आगे इनकी मिसाल कर लेते हैं, क्या वो इस कैंपस में आके कर सकते हैं? उनके लिए क्या स्विचिंग कॉस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है? अगर कैंपस भी इसके अलावा एक ही है, नहीं मैं एक को ही कर रहा हूँ कंसीडर इस वक्त, क्या वो इजीली स्विच कर सकती हैं? तो उनके लिए स्विचिंग कॉस्ट पैसों पे डिपेंड कर रही है? पैसों पे नहीं कर रही, किस पे कर रही है? वही कह रहा हूँ ना, डिपेंड ही नहीं कर रही ना। उनके पास अगर पैसा ज्यादा या कम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो स्विच कर ही नहीं पाएगी। बड़ी कोई भाई ने रॉकेट साइंस निकाली यहाँ से। हाँ जी, उनके लिए फिर और फैक्टर क्या है पैसों के अलावा? पैसों के अलावा बैरियर्स है, एनवायरमेंटल बैरियर्स तो नहीं है, सोशल बैरियर्स है, और वो जो कॉलेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वो बैरियर कॉलेज के। अच्छा, इन्होंने इसको प्योर फिजिकल रखा है, अगर ऑनलाइन करते तो फिर क्या होता? फिर स्विच होता। क्या प्योर फिजिकल करने से इन्होंने कंपेटिटिव एडवांटेज दे दी है फिजिकल कॉलेजेस को? सिर्फ आप लोग ही करवा सकते हैं, बाकियों को फारिग कर दिए, और अगर वो ही करवा सकते हैं तो वो महंगा करवाएं या सस्ता करवाएं, उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन पर चलेगी ये चीज। ये तो फिर नाइन इंसाफी नहीं होगी ऑनलाइन वालों के साथ, क्या कहते हैं? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी स्कोप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यस और नो। अगर दे देते फिर क्या होता? क्या स्विचिंग कॉस्ट कम होती है ज्यादा होती है?
फिर बहुत कम हो जाती है ना, आप किसी भी कॉलेज में किसी भी टाइम पे स्विच मार के चले जाते, सब्स्टिट्यूट आ जाते, पैसा जेब में कम है, स्विचिंग कॉस्ट भी ना होने के बराबर है, बार्गेनिंग पावर कितनी होगी, थोड़ी होगी, पैसा ज्यादा होगा तो बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। ठीक हो गया सर, बच्चों ने तैयारी की हुई है, बच्चों ने तैयारी की हुई है, मजा आ रहा है, तो आज इसको एंड करते हैं। सर फीमेल्स क्या करें, हम कहां पे जाएं? तो मिल गई ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम। क्या बना कोदन? गुफ्तगु इतनी मजे की चल रही थी कि मैं पीछे बैठ के महसूस हो रहा था आप लोग जो है वो पूरा मॉडल जो है वो प्रैक्टिकली समझ गए हैं। ऊपर से जब फीस पे बात आती है और कॉलेज पे बात आती है तो बहुत अच्छी समझ आती है। जब जेब पे बात आती है कि हाँ भाई जेब में कितना पैसा पड़ा है, बार्गेनिंग पावर कम है या ज्यादा है, तो ये तो ये भाई सब चलना हमारे आते स्क्रीन भी फर्क हो गया। जी इन्होंने कहा था कैमरा शो नहीं हो रहा, कैमरा स्क्रीन और आवाज तीनों चीजें क्लियर है, ऑनलाइन फिजिकल वालों को तो क्लियर है, स्क्रीन कैमरा और आवाज बेहतरीन हो गया। जी तो इसका मतलब है कि आप लोग डिस्कशन जिस मॉडल पे कर रहे थे वो आपको ज्यादा अच्छा लगा, और कल वाला जो है वो फीका फीका सही लगा, वो भी मजे का था, कॉन्सेप्चुअली ज्यादा मजे का था। ये SBU किताब ने बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया किसी भी जगह, ये क्या है स्ट्रेटेजिक बिजनेस, बिजनेस का कोई भी सेगमेंट कोई भी हिस्सा जिसको आप कहते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजीज फर्क होंगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने कहा ना कि एक कॉलेज के दो अलग अलग कैंपस, एक कॉलेज के दो अलग अलग शहर, एक कॉलेज के दो अलग अलग कोर्सेज, CA है ACCA, एक ही बिल्डिंग में एक ही कॉलेज एक ही स्ट्रीम CA पढ़ाने वाले में आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, दोनों की स्ट्रेटेजी फर्क है, दोनों का तरीका फर्क है। न्यूमेरिकल में बच्चों को टीचर का चेहरा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर के एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टीचर जो सवाल करा रहा है वो सवाल समझना देखना बड़ा जरूरी है। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ज्यादातर क्लासेस का मॉडल ये होगा कि टीचर बैठ के लिख रहा होगा, वो स्क्रीन बड़ी सी करके सामने भी डिस्प्ले हो रही होगी और स्क्रीन पे भी बड़ा बड़ा करके लिखा जा रहा होगा, लोगों को लाइव रिले हो रहा होगा और बच्चे साथ साथ सवाल कर रहे होंगे, सवाल क्या कर रहे होंगे जवाब दे रहे होंगे, सवाल तो वो करता है जो कि जो समझ रहा हो। लोग समझने के चक्कर में थोड़ी न्यूमेरिकल करते हैं, वो तो कहते हैं बस टीचर को कॉपी कर लो, नहीं समझ आया अगले दिन फिर से कॉपी कर लो, नहीं समझ आया तो तीसरे दिन फिर से कॉपी कर लो, ऑटोमेटिकली सवाल देख के हाथ चलना शुरू हो जाता है। थ्योरी में साथ साथ सवाल जवाब चल रहे होते हैं, तो ऐसे में थ्योरी में ये वाला जो हाइब्रिड मॉडल था ये मुसलसल इसमें मसलों मसाइल आए कि टीचर जो है वो देख के बात कर रहा है, इशारे कर रहा है, अब वो छोटे से कैमरे में वो इशारे भी नजर नहीं आ रहे, इशारे करते हुए टीचर कैमरे की तरफ भी नहीं देख रहा, उधर से मैसेज पे मैसेज धड़ाधड़ आ रहे हैं और टीचर जो है उधर से जब इधर देखता है तो पता लगता है कि 20 मैसेज ऊपर नीचे हो गए। ऐसा न्यूमेरिकल में टीचर ने कहा भाई बताओ इसकी क्या वैल्यू निकली, आपने निकाला आपने कहा 12,500, टीचर ने एक नजर इधर मारी लाइन से 12,500 आ रहे हैं, एक आध अजीब सा है, उसने कहा भाई आपकी वैल्यू गलत है। तो यहाँ पे जब जेस्चर्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे लाइव कनेक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर, तो यहाँ पे कॉलेज ने क्या किया, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगाई कि एक और कमरे में कैमरे के साथ पूरा एक इंतजाम कर दिया कि ठीक है जी एक कैमरामैन होगा, क्लास चल रही होगी उसकी कैमरा पे हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग होगी जिसमें पूरा टीचर नजर आ रहा होगा, चलता फिरता नजर आ रहा होगा, क्योंकि थ्योरी के सब्जेक्ट के डायनेमिक्स डिफरेंट है। थ्योरी के सब्जेक्ट में सामने चार लफ्ज लिखे हुए हों और टीचर अल्फाज से पूरा लेक्चर गुजार दे, और न्यूमेरिकल में जो है वो आपको पूरा बोर्ड भरा हुआ चाहिए, पूरी स्क्रीन भरी हुई चाहिए,
तो एक ही कॉलेज एक ही तरह की प्रोडक्ट के अंदर एक ही कैंपस में भी दो अलग अलग क्लासेस की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो हो सकता है कॉलेज कहे कि ये हमारा डिफरेंट SBU है, वो डिफरेंट SBU है। तो SBU कैन बी एनी एनी यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में उनकी स्ट्रेटेजी फर्क है। मैंने कहा ये ब्रांच भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, प्रोडक्ट के अंदर की भी कोई प्रोडक्ट हो सकती है। फिर SBUs को हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया, दो वेरिएबल पकड़े, एक थी ग्रोथ और एक था शेयर। ग्रोथ का मतलब था वो मार्केट कितनी प्रॉमिसिंग है, उस मार्केट में कितनी ग्रोथ है, वो मार्केट कितनी ज्यादा तेजी से चल रही है, उसमें कितना ज्यादा मार्जिन है, और मार्केट शेयर से क्या मुराद था, आपके पास मार्केट के टोटल का कितना, मतलब मार्केट में अगर 10 लोग मिलके सेल्स कर रहे हैं और 1 लाख यूनिट सेल होते हैं और आप 40,000 यूनिट सेल कर रहे हैं तो हम कहेंगे आपके पास बहुत बड़ा हिस्सा है, आप 40% ऑफ द मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जी अगर आईकैप में टोटल इतने पीयर हुए और हम इतने 1,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वी हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर इज कि आप उस पूरी मार्केट के अंदर जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसके कितने हिस्से को सर्व कर रहे हैं। ये दो वेरिएबल्स की बेस पे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। हमने कहा था कि ये स्टार्स हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, कैश कॉ हो सकते हैं और डॉग हो सकते हैं। फिर हम इसकी इंग्लिश भी पढ़ते गए थे। स्टार जो है वो हाई मार्केट शेयर हाई ग्रोथ, कैश कॉ ग्रोथ नहीं है लेकिन मार्केट शेयर अच्छा है। प्रॉब्लम चाइल्ड शेयर अच्छा नहीं है मार्केट में ग्रोथ है। जी जी आते हैं उत्तर पे आते हैं। और डॉग जो है जिसमें दोनों वेरिएबल्स आपके डाउनसाइड पे। स्टार्स में जो इंग्लिश लिखी हुई थी इसमें कोई कंफ्यूजन, एक भाई ने कहा है इसमें तीसरी लाइन इवेंचुअली देयर ग्रोथ स्लो। देखिए स्टार कब तक स्टार रहेगा, हर अरूज को सवाल है। स्टार पे इन्वेस्ट करते रहे करते रहे करते रहे, एक टाइम आएगा वो मैच्योर हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि उसके बाद या वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा या कुछ देर अब अपनी जगह स्टे करेगा। तो दैट इज कि इवेंचुअली देयर ग्रोथ विल स्लो, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ जो है वो आगे जाके फाइनली स्लो हो जाएगी एंड विल बिकम कैश कॉ। और अगर आप इसका शेयर मेंटेन रख सके तो ये कैश कॉ बन जाएगी। स्टार के नीचे जो लाइनें लिखी थी ये क्लियर थे, जी। अब अगेन स्टार पे आप खर्चा करते जा रहे हैं, खर्चा करते जा रहे हैं, चलते 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 ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, खास जगह पे पहुंच गया। अब इससे आगे मार्केट में ग्रोथ ही नहीं है। अब आप उस पे खर्चे, ज्यादा खर्चे, कम खर्चे, उसने उधर से ऊपर नहीं जाना क्योंकि वो अपनी मार्केट की पीक पे पहुंच गया, उससे ऊपर अब उसमें कुछ नहीं बचा। तो एक टाइम पे आके हम कह देते हैं कि अब आप कैश उस पे ज्यादा भी लगा दे तो भी वो उसको बूस्ट नहीं करेगा, वो जितना होना था वो हो गया। जी डॉलर्स ने जब एसी निकाले थे इन्वर्टर से पहले एक लेवल तक जाके कवर हो गए थे, फिर इन्वर्टर आया तो फिर वो दोबारा इन्वेस्टमेंट थे वो चैलेंज हो गए। जी अब इन्होंने कहा कि डॉलर्स ने अपने एसी पे काम किया, एसी एक खास जगह पे पहुंच गए, मैच्योर हो गए, फिर आ गए इन्वर्टर्स। इन्वर्टर आने के बाद जो है वो एसी की मार्केट डाउन हुई, इन्वर्टर्स की मार्केट अप हुई। लेकिन वही बात है कि कभी कभी आप डाउन मार्केट में अच्छा खेल लेते हैं। इन्वर्टर है तो महंगी चीज, एसी सस्ती चीज है। अगर आप एसी के ऊपर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा और रिसर्च करें और थोड़ी सी उसकी यूनिट कंजम्पशन को बेहतर करने की कोशिश करें, या आप उस इनकम ग्रुप को टारगेट करें जो कि इन्वर्टर नहीं खरीद सकते, तो आप एसी की मार्केट जिसको सारे छोड़ छोड़ के इन्वर्टर की मार्केट में घुसते जा रहे हैं, आप एसी की मार्केट के किंग बन सकते हैं। तो कुछ बिजनेसेस थोड़ा सा अल्टरनेट वे भी प्लान करते हैं, वो एक डूबी हुई मार्केट में जाते हैं और उस मार्केट में किंग बन जाते हैं और वो मार्केट का मैक्सिमम शेयर पकड़ लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनियों की स्ट्रेटेजी। अभी तो बिल्कुल थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज पढ़ी है हमने। असल जो पेपर है इसका जो प्यारा वाला पेपर है वो CFAP 3 है, जिसमें आप बात ही स्ट्रेटेजी की करते हैं। वहां पे तकरीबन 7 से 8 चैप्टर्स में तो हम ये देख रहे होते हैं कि बिजनेसेस की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो कैसे चलते हैं। SPM जो फाइनल का पेपर है, जी बिल्कुल। हाई ग्रोथ बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एज रिगार्ड्स कंपटीशन। हाई ग्रोथ बिजनेसेस जो है, मतलब कुछ हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं, उनमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट अपने बाकी जो हमसाए हैं, अपने आसपास के जो कंपेटिटर्स हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि मार्केट शेयर ज्यादा होने का मतलब ही ये है कि आपने अपने कंपेटिटर्स को टफ टाइम दिया है और आपके पास मार्केट का बड़ा हिस्सा है। सर मेरा क्वेश्चन में आंसर कर दें, और क्वेश्चन कहीं बहुत पीछे गुजर गया है। ये रहा सर, बुक में 4 हैं, सब्स्टिट्यूट, एंट्रेंस, सप्लायर एंड बायर पावर। नहीं,
राइवलरी सेंटर में, वो जो एरोज आ रहे हैं वो एक सेंटर में एक गोले पे जाके हिट कर रहे हैं, वो राइवलरी और एरो बना के ऊपर वो राइवलरी के पॉइंट्स बताए हुए हैं कि राइवलरी किस तरह से है। तो राइवलरी फिफ्थ है, इसको कंपटीशन भी कहते हैं, राइवलरी भी कहते हैं। तो राइवलरी सेंट्रल, दो तरफ पावर है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर की, बार्गेनिंग पावर कस्टमर की, और फिर दो थ्रेट है, सब्स्टिट्यूट से थ्रेट है, नए आने वालों से थ्रेट है, यानी नए कंपेटिटर से थ्रेट है और नई प्रोडक्ट से थ्रेट है, जो आपके प्रोडक्ट को खराब कर दे, किसी और सेगमेंट की कोई और प्रोडक्ट जो आपका सब्स्टिट्यूट बन जाए। देन आप लोगों ने कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स पढ़ा, इसमें किसी लाइन आइटम में कोई कंफ्यूजन, कोई बात जो नहीं समझ आ रही? डॉग्स की थर्ड लाइन, अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर एंटिटी मे बी टू चूज। अब एंटिटी के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, उसको चूज करना होगा, किस में चूज करना होगा, बिटवीन दो में से कोई ये काम करना पड़ेगा, इमीडिएट विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट, फॉरन से उस प्रोडक्ट को मार्केट से निकालने खत्म करते हैं बस बहुत हो गई, और एंजॉइंग द कैश फ्लोस फॉर अ फ्यू मोर ईयर बिफोर इवेंचुअली विड्रॉल। कुछ अरसे तक इसे रहने दें, कुछ और साल, थोड़ा थोड़ा सा इसमें से जितना थोड़ा बहुत और निकल सकता है वो निकाल लिया जाए, फिर से बंद कर दिया जाए। तो एक ये है कि बिल्कुल अभी बंद करके सारा पैसा कहीं और लगा दें, और एक ये है कि ठीक है चलो पैसा खा भी नहीं रहा, पैसा ज्यादा दे भी नहीं रहा, थोड़ा सा चलता रहेगा हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत जनरेट करते करते चलो फिर 3-4 साल बाद इसे बंद कर दें। तो ये डिसाइड करना होता है कि क्या उसको मजीद कैश तो नहीं चाहिए, अगर कैश चाहिए और वो उतना जनरेट नहीं कर सकेगा तो दिस इज गुड कि आज विड्रॉ कर लें, और अगर वो अपने तौर पे टूटा बज्जा हल्का फुल्का थोड़ा 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 सा करके कैश जनरेट कर रहा है तो आपका जा कुछ नहीं रहा, फ्यूचर एनालिसिस करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। देखिए अगर फ्यूचर एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप डूब जाएंगे, आपको लग रहा है ये डॉग है, हो सकता है फ्यूचर में वो उस मार्केट में अचानक से बूम आने वाला हो, तो आप एकदम से एक सेगमेंट को फौरी बंद नहीं कर देते, आप उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जी क्या चीज? जी हार्वेस्ट और डाइवेस्ट वाली बात भी आती है। अब इसमें यही है कि आप हार्वेस्ट में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम कर देते हैं लेकिन कुछ कुछ लगाते रहते हैं, डॉग्स पे आप लगाते कुछ नहीं है, या डाइवेस्ट करते हैं या होल्ड करते हैं। जी जी ये जो ये यूजिंग डीसीजी मैट्रिक्स है, ये चार अप्रोचेस हैं, यानी कि आप कहीं पे भी, और फिर उन अप्रोचेस के कुछ यूज आगे बताए हुए। नॉर्मली ये चीज जो है वो अगर समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी है, नहीं तो फिर एक और पैटर्न होता है कि फिर हम क्या करते हैं, हम चारों तरह की कैटेगरीज पकड़ के उन सब की अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताते हैं। जी अब ये हाँ, अब बिल्ड शेयर इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। अब आपने देखना ये है कि आपने किस में शेयर बिल्ड करना, डॉग में तो शेयर बिल्ड नहीं हो रहा, ओवरऑल टोटल पे अप्लाई हो रहा है कि अब आपने देखना है, मतलब इन चारों के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। शेयर बिल्ड कर सकते हैं, शेयर बिल्ड कहाँ कहाँ हो सकता है, क्वेश्चन मार्क का ऊपर ले जा सकते हैं, स्टार का शेयर मजीद बढ़ा सकते हैं, ठीक है उसमें ग्रोथ। तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन होता ये है कि कई दफा इस लेवल पे मुश्किल हो जाता है आपके लिए आइडेंटिफाई करने की, जी चार स्ट्रेटेजी हम इसको कहाँ लगाएं। तो मैंने इसके साथ एक और टेबल भी प्लेस कर दिया, आपको जब किताब मिलेगी ना तो उसमें वो एक और टेबल होगा जिसमें प्रोडक्ट के हिसाब से होगा कि डॉग्स पे ये 2-3 लाइनों की स्ट्रेटेजी है, कैश कॉप पे ये 2-3 लाइनों की स्ट्रेटेजी है। असल में गौर से देखें ना तो इनकी स्ट्रेटेजी उन लाइंस में लिखी हुई है, ये जो जहां पे उनको डिफाइन किया हुआ है ना, कैश कॉप के नीचे सबसे एंड पे लिखा हुआ है दे नीड टू बी मैनेज फॉर कंटिन्यूड प्रॉफिट। क्वेश्चन मार्क, मैनेजमेंट को थिंक हार्ड करना होगा उस पर इन्वेस्ट करें या किस तरह से करें। डॉग्स में आखिरी दो लाइनों पे लिखा है कि या इमीडिएट विड्रॉल कर लें या उसे चलता रहने दें। तो स्ट्रेटेजीज अंदर लिखी हुई है और ये ओवरऑल अप्रोचेज हैं कि आप इस सारी चीज को देखने के बाद चार में से कोई एक काम करते हैं, या शेयर बिल्ड करते हैं, या होल्ड कर लेते हैं, या उसमें से हल्का हल्का से निकालना शुरू कर देते हैं, या उसे बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। हाँ, इन चार में से कोई एक फैसला होगा रेलिवेंट एसबीयू के ऊपर। और अगेन चूंकि ये चीज कभी कभी कंफ्यूज करती है तो मैंने आपसे कहा कि एक डिफरेंट टेबल भी आप लोगों को जब किताब मिल रही होगी, मैं बाद से पता करूंगा वो किताब की अपडेट्स और वो सारा कुछ, मेरी तरफ से किताब और क्वेश्चन बैंक सारा फाइनल हुआ है, अब इनसे मैं आइडिया लूंगा कि आप लोगों का दूसरी तरफ न्यूमेरिकल में क्या सिलसिला है, आपको टूट टूट के मिलेंगे, दो हिस्सों में मिलेंगे। हाँ, तो कल दोनों वॉल्यूम मिलेंगे या एक वॉल्यूम मिलेगा? एक वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये फिर जब किताबें भेज रहे होते हैं तो फिर ये इकट्ठे प्लान करते हैं ना, तो मैं वो किताबें इनको सॉफ्ट में इनके हवाले कर दूंगा,
और ये फिर आप लोगों को जिस भी मोड में प्रोवाइड करनी होगी। तो चलो कल परसों हमारी क्लास फिजिकली नहीं भी हो रही हो तो आप लोग आ तो रहे होंगे अपने फेवरेट न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि आपने साथ साथ लिखना होता है। नहीं नहीं सर, इस दफा हमें समझ भी आ रही है। अच्छा, मैं सोच रहा था शायद आप फॉर्म देखेंगे। हाँ सर समझ आ रही है, चेहरों पे जो मायूसी नजर आई है ना मुझे। जी जी स्टार भी मार्केट लीडर और कैश कॉ भी मार्केट लीडर, ये क्या बात है। असल में कैश कॉ मार्केट लीडर है, मार्केट का बड़ा शेयर उसके पास है, और स्टार भी मार्केट लीडर है उसके पास बड़ा। लेकिन स्टार अभी मजीद ग्रो कर रहा है, मजीद और सबको खाता जा रहा है, इसलिए कि उसकी मार्केट भी ग्रो कर रही है, उस मार्केट में भी पोटेंशियल है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग आते जा रहे हैं। और कैश कॉ वाली मार्केट बेचारी रुक गई है, अब जब रुकी हुई मार्केट के अंदर वो सबसे बड़ा जन है। तो हैं दोनों ही मार्केट लीडर, लेकिन स्टार मजीद ऊपर जा रहा है, इसलिए कि उसकी जो रेलेवेंट मार्केट है उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। सर ऑनलाइन वालों को तो सॉफ्ट कॉपी शेयर करवा दें बुक की। हाँ ऑनलाइन वालों को तो फौरन से सॉफ्ट कॉपी शेयर हो सकती है, और बल्कि आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो एडमिन ओनली होना चाहिए असूलन वही है ना। हाँ क्योंकि फिजिकल क्लास वाले तो फिर फिजिकली सवाल पूछते हैं। जी क्या डॉग कभी भी स्टार में नहीं आ सकते? जब आपने एक प्रोडक्ट को कहा ही डॉग है ना, तो आपने बड़ा सोच समझ के उसे डॉग प्रोडक्ट कहा है, आपने अच्छी तरह से वर्किंग की है, आपने देखा है कि ये मार्केट बिल्कुल मरी पड़ी है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है और ऊपर से शेयर भी कम है। अब ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव होने एक साथ इतना आसान नहीं है। एक तो वो मार्केट भी अचानक से चल पड़े और ऊपर से आपकी वो प्रोडक्ट भी सारे कंपेटिटर से अचानक से उठ के बहुत जोर से लड़ना शुरू कर दे, ये दोनों पॉसिबिलिटीज इकट्ठी बड़ा मुश्किल है। तो जब आपने आफ्टर केयरफुल एनालाइजिंग इसको डॉग प्रोडक्ट कह दिया है, तो अब इस डॉग का स्टार तक जाना जो है ना वो तकरीबन नामुमकिन है। जी अब अगेन कुछ नई मार्केट्स जनरेट हुई थी, वो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या करती थी तो वो उसकी इतनी नीड नहीं मानी जाती थी। तो अगेन उसके अंदर भी मास्क में अगर आपका मास्क सबसे हल्का और गंदा क्वालिटी का माना जाता है और उसके पैसे भी बिला वजह ज्यादा है, तो मार्केट चल भी पड़े तो आपका मास्क नहीं चलना। तो ये दो अलग अलग चीज है ना, मार्केट भी चले और आपकी प्रोडक्ट भी मार्केट में परफॉर्म करती हो, दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तो फिर बात ऊपर चल पड़ेगी। अगेन बीसीजी का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंटरनल एनालिसिस कर रही है, मार्केट में अचानक से क्या हो रहा है ये उसको नहीं देख रहे, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। सर मॉडल्स को वर्ड बाय वर्ड रिटेन करना जरूरी है? नहीं, जब मॉडल आता है तो मॉडल की हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए कि बीसीजी मैट्रिक्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वालों का मैट्रिक्स है और इसमें चार तरह की एरियाज हैं और वो चार दो डायमेंशंस में चल रहे हैं, एक तरफ मार्केट शेयर है और एक तरफ ग्रोथ है, तो और ये चार चीजें। इसी तरह से पोर्टर फाइव फोर्सेस में पांचों के नाम याद होने चाहिए, अंदर की कहानी हम खुद से लिख सकते हैं लेकिन जो मेन नाम है मॉडल के वो आपको याद होने चाहिए। जी ठीक है, हार्वेस्ट में क्या कहा है हमने, कंपनी रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो जब आप अपने पैसे जो आपके पास पड़े हुए हैं इस पे नहीं लगा रहे तो शॉर्ट टर्म में आपके कैश फ्लोज की सिचुएशन क्या होगी? आपके पास पैसे पड़े हुए थे और पहले आप सारे लगा रहे थे, अब आप सारे नहीं लगा रहे, ध्यान से लगा रहे हैं, तो अब आपके हाथ में लिक्विडिटी है, अब आपके पास शॉर्ट टर्म कैश फ्लो बेहतर है जो आप कहीं ना कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ नहीं असल में उस इन्वेस्टमेंट से भी आ रहा होगा, लेकिन ये है कि आपके हाथ में भी जो कैश है उसकी अभी रवानी बेहतर हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में यानी कोई बात है कि आप थोड़ा थोड़ा सा करके अभी उसमें से निकाल लेंगे, लेकिन उतना आप नहीं सोच रहे उसमें कि स्टार बना के उससे बड़े वाला माल निकाला जाए। जी असल में जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा आ रहा है तो आपको पता है कि कैश का आना जाना और प्रॉफिट थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, लेकिन जो प्रोडक्ट की खास जगह पे पहुंच गई होती है ना उसके बाद उसके ऊपर खर्चा एक खास लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ता बट रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन का एज ले रहे होते हैं, तो उस वजह से प्रॉफिट आता है। तो जो चलती हुई प्रोडक्ट्स हैं उस पर जितना पैसा लगाएं वो पैसा प्रॉफिट की फॉर्म में वापस आ जाता है। जी ये चार अप्रोचेस और इसके अंदर जो इसकी वीकनेसेस हैं उसके अंदर लिखी हुई इंग्लिश। फर्स्ट पॉइंट, अ प्रोडक्ट कैन हैव स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन इन मार्केट इवन विद अ लो मार्केट शेयर।
उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि हमेशा मार्केट शेयर हाई होगा तभी आप उसको तूफानी प्रोडक्ट कहें, अगर आपका कम मार्केट शेयर भी है लेकिन आप बड़ा जबरदस्त कम्पीट कर रहे हैं तो ये भी बड़ा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस में कंपेटिटर्स ही 20 है और आपके पास 10% शेयर है, 10% शेयर बड़ा शेयर नहीं होता लेकिन 20 कंपेटिटर में 10% का मतलब है आप सबको खा के बैठे हुए हैं, आप सबसे तगड़े हैं। वो मार्केट ऐसी है कि टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हुई है बट उस मार्केट के अंदर आप शेयर वाइज छोटे लेकिन आप कंपटीशन वाइज आपने सबको तंग किया हुआ है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा शेयर अच्छा हो तभी हम कहेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। हाँ असल में वो तो उन्होंने क्या किया अपनी मार्केट ही अलग सजा दी। कई दफा लोग ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि यहाँ पे मुकाबला हो वो कहते हैं कि मैं अपना ग्राउंड अलग से बनाऊंगा, साइड पे जाके अपना ग्राउंड बनाते हैं, वहां जाके वहां के किंग बन जाते हैं। जैसे 2015-16 में हमने किया, मुकाबले चल रहे थे, फिजिकल कॉलेज लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने कहा जी हम अपनी हम खेलेंगे साइड पे चले गए और ऑनलाइन में खेलना शुरू कर दिया। किसी को समझ ही नहीं आई हो क्या रहा है, किसी को पता ही नहीं लगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है लेकिन साइड पे जाके खेलते रहे। तो कभी कभी कुछ बिजनेस क्या करते हैं कि वो मेन मार्केट में मुकाबला करने के बजाय साइड पे अपनी एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेके बैठ जाते हैं और उसको एक अलग मार्केट का नाम दे देते हैं, तो उस मार्केट में किंग भी वही होते हैं। तो वो कह सकते हैं जी इस मार्केट में नंबर वन हम है, क्योंकि नंबर टू होता ही कोई नहीं, कोई और होता ही नहीं। तो आईफोन भी इसी तरह अपनी मार्केट में नंबर वन है, उसने एक अलग ही दुनिया बसा ली है। या बहुत अमीरों की या बहुत बेवकूफों की, ठीक है। ये दो तरह के लोग आईफोन लेते हैं, या तो खुला पैसा हो या खुली कमगली हो कि पैसा कम है लेकिन लगाना आईफोन पे ताकि एक दफा पता लगे कि वाकई जी आईफोन लिया। क्या कह दिया जी, ये आपने किसी की तरफ इशारा किया है? क्लास में से कुछ बच्चों के चेहरे पर नागवारी आ गई। ठीक है जी, सर स्टैट्स है अभी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है कि स्टैट अभी भी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो स्टैट को कम कर दें, खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने अभी काई स्केयर याद आया कुछ वो है स्टैट, वो जो आपको सबसे गंदा पोर्शन नहीं लगता था क्यूएम का, वो पढ़ेंगे आप। असल में वहां आप लोग किसी और तरह से पढ़ रहे होते थे ना, वहां लॉजिक्स पे नहीं पढ़ रहे होते थे। अब आपको पता लगेगा कि QM का सबसे मुश्किल टॉपिक भी लॉजिकली कितना मजे से पढ़ा जा सकता है। सही, मैं कह रहा हूँ हाँ आप सही जगह हैं, मेरी मैथ पढ़ाने की ख्वाहिश जो है पूरी हो गई। QM मेरा हॉट फेवरेट सब्जेक्ट जो मुझे कॉलेजेस नहीं पढ़ाने देते। जी BCG मॉडल का पॉइंट नंबर 4, इट माइट बी डिफिकल्ट टू डिफाइन द मार्केट। अच्छा बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर सवाल जवाब चल रहे हैं, सर आगे तो पढ़ा नहीं रहे, मैं बार बार कुछ वर्ड इस्तेमाल करूं आपको अंदाजा ही नहीं होगा। हम पीछे बैकएंड पे एक और मॉडल भी पढ़ रहे हैं, ना करें, मैं बार बार नहीं कह रहा, मैच्योर हो जाती है कभी कभी, डिक्लाइन की तरफ जा जाती है। इस प्रोडक्ट में तो बड़ा ग्रोथ नजर आ रहा है, ये ग्रोथ की तरफ जा रही है। हम बैकएंड पे खामोशी से चुपके चुपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इस मॉडल का सहारा लेते हुए पढ़ रहे हैं। जब मैं सामने दिखाऊंगा आप कहेंगे सर ये तो हमें सब आता है, तो मैं कहूंगा हाँ तो घर जाके पढ़ लेना। चौथा पॉइंट, इट माइट बी डिफिकल्ट टू डिफाइन द मार्केट। ये कई दफा मुश्किल हो जाता है कि आप डिफाइन करेंगे मार्केट क्या है। कई दफा ज्योग्राफिकल एरिया डिफाइन करना मुश्किल है कि ये कौन सी मार्केट है, ये कौन से इलाके की मार्केट है, क्योंकि आप एक ही शहर में 15-20 अलग अलग फिजिकल मार्केट्स भी बता सकते हैं और हो सकता है पूरे शहर को एक मार्केट कह दिया जाए। तो कभी कभी मार्केट की डेफिनेशन इतनी आसान नहीं होती है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, इट माइट ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स आर कम्पीटिंग विद ईच अदर। ये भी कई दफा इतना आसान नहीं होता समझना कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं। आप खामखा सोच रहे होते हैं जी हम नंबर वन पे आ गए, नंबर वन पे आ गए, पता लगा एक और प्रोडक्ट जो आपको लग रहा था कि आपकी मार्केट में नहीं है लेकिन असल में वो आप ही के कंपेटिटर्स को तोड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी हम बरकत मार्केट में मौजूद है और हमारे जैसे जो चने हैं वो कोई नहीं बनाता, और आप कह रहे हैं चनों की मार्केट में हम राज कर रहे हैं। पता ये लगा कि आपके साथ वाला होटल जो दाल के लिए बड़ा मशहूर था, जो आपको कंपेटिटर नहीं लगता था, आप सोचते थे दाल की मार्केट में वो कम्पीट कर रहे हैं, चनों की मार्केट में हम कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन भूखों की मार्केट में ये दो सब्स्टिट्यूट थे। एक बंदा जो भूखा है उसने या दाल खानी है या चने खाने हैं, तो वो दाल आपको कम्पीट कर रही है, आपको पता ही नहीं लगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अंदाजा नहीं होता कि आपको आपका कंपटीशन क्या है, या आप अपनी तरफ से अपने आप को नंबर वन पे स्टैंड कर रहे होते हैं और पता ही लगता है कि नहीं जी आपने अपनी मार्केट लूज की है और कोई साथ वाला आपके
कस्टमर्स ले हो रहा है। तो ये चीज बीसीजी ने नहीं समझी, ना समझाने की कोशिश की। भाई कितना आसान सी बात है, कोई भी मॉडल होगा स्पेसिफिक एरिया पे बात करेगा, उस पर एतराज करने आप कहेंगे इसके अलावा ये इसने इस पर बात नहीं की, 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 इस पर बात नहीं की। और जब आप सारे मॉडल्स पढ़ चुके होंगे तो एक मॉडल पढ़ेंगे वो कहेंगे इस मॉडल के प्रॉब्लम बताओ, तो आप किसी और मॉडल के पॉइंट्स उठा के कहेंगे इस पे बात नहीं की, इस पे बात नहीं की, इस पे बात नहीं की। अब बीसीजी ने बात ही नहीं की कि जो कंपेटिटर्स हैं उनके आपस में क्या मसले होते हैं, इसने बात ही नहीं की कि सप्लायर अगर बेरहम हो जाए तो बिजनेसेस को कितना मसला होता है। तो आप बॉर्डर की पांचों फोर्सेस उठा के लिमिटेशन में डाल दें। जी जी ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मैंने कहा ना कि आपको ज्योग्राफिकल एरिया कई दफा डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इस शहर को 20 छोटी छोटी मार्केट्स में क्लासिफाई करें, दो मार्केट्स में क्लासिफाई करें, या पूरे शहर को एक मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस शहर में कुछ सस्ते इलाके भी हैं, कुछ महंगे इलाके भी हैं, कुछ महंगे इलाकों के बिल्कुल साथ कुछ सस्ते इलाके भी हैं। अब आप जो है वो डिफेंस के अंदर सोच रहे हैं कि जी डिफेंस के अंदर एक शॉप होनी चाहिए, वहां एक मार्केट है, लोग आएंगे और वहां से चीजें खरीदेंगे। पता ये लगेगा कि आपको कंपटीशन दे रहा होगा बिल्कुल उसके साथ, एक गांव जैसी जगह होगी जो डिफेंस के लोग भी खामोशी से वहां आके और वहां से सस्ती शॉपिंग करके वापस चले जाया करेंगे। जौहर टाउन सामने सामने से बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, बैक एंड से बड़ा गरीब है। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे, अब ये सामने गार्डन टाउन, सामने KFC बैंक और वो सारा कुछ है, पीछे जीवन आना। तो आप ये देखिए ना कि कितना वो है। तो पॉइंट यही है कि जीवन हाना में एक दुकान होगी और आप उसे कंपटीशन नहीं समझेंगे, आप समझेंगे कि वो गरीबों के इलाके की मार्केट है, हालांकि वो अमीरों को सर्व कर रही हो। तो मार्केट को कभी कभी ना फिजिकली डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन से इलाके की मार्केट है, ये किस तरह से। तो कहीं का भी बंदा कहीं से भी आके कोई भी चीज खरीद सकता है। ठीक है, हाँ तो आप बताना क्या चाह रहे हैं? ऐसे ही है, आप अक्सर अपनी मार्केट ही चेंज कर लेते हैं ना। तो इसलिए बीसीजी ने इन सारी चीजों पे बात ही नहीं की। बीसीजी का प्रॉब्लम ये है कि इसने सिर्फ आपको बताया कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपने SBUs के साथ क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इतने आराम से आप एंटर नहीं हो सकते सर। मॉडल्स को वर्ड बाय वर्ड रिटेन करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी थोड़े पहले भी मैंने ये बात की थी और थोड़े पहले भी आप ही सवाल को देख के बात की थी, खुदा का खौफ करें अजन। मैं मतलब आपके सवाल पे मैंने पूरी तकरीर कर दी थी जी। इन मॉडल्स के जो मेन लाइन आइटम्स हैं, मेन फीचर्स हैं, वो याद करना जरूरी है। जो ऊपर वो जो सिंगल लाइन की हेडिंग आ रही है, नीचे वाली बातें अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम कॉन्टेक्स्ट जहन में होना चाहिए। क्या चीज आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा आप स्टार को पहले एक्सप्लेन करें, आप डॉग को भी पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कैश को होगा भी, जो आप सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उसको ऊपर रख दें। इसमें कोई तर्तीब नहीं है कि पहले ये सोचना है फिर ये सोचना है, फिर ये चार चीजें हैं और इनको किसी भी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। जी मेरे ख्याल में बीसीजी मैट्रिक्स आपको समझ आ गया, अब आप सिर्फ टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। अब जब मार्केट की बात होती है ना, तो अब हम तो पाकिस्तान में एक शहर में बैठ के सोच रहे हैं, दुनिया तो देखती है कि मिडिल ईस्ट की मार्केट कैसी है, यूरोपियन मार्केट्स कैसी हैं, एशिया की मार्केट्स पे इन्वेस्ट करें या ना करें। तो जो बड़े बिजनेस हैं वो बड़े लेवल पे सोचते हैं, जो छोटा बिजनेस है वो छोटे लेवल पे सोच रहा होता है। तो अभी तो आप लोगों ने बिजनेसमैन बनना है, सोच बड़ी रखें, ग्लोबली देखें कि ग्लोबली क्या चल रहा है और फिर देखें कि आपके ज्योग्राफिकल एरिया में क्या चल रहा है, यहां से बिजनेस डेवलप करें और इंटरनेशनली जाए। वापस जरा अब जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली पढ़ना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है कि आपको क्या पता है। इंसानों में लाइफ साइकिल होता है, इंसान पैदा होते हैं, इंसान ग्रो करते हैं, इंसान बड़े होके पीक जवानी को पहुंचते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होके और फिर मर जाते हैं। सेम गोज विद प्रोडक्ट्स, सेम गोज विद सर्विसेज, सेम गोज विद एवरीथिंग। ये इनका मानना है कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है जिसके अंदर चीजें चल रही होती हैं, और अगर कहीं आपको किसी भी मॉडल के ऑथर का नाम नजर आ रहा हो तो आप किसके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं? आप पोर्टर पर इल्जाम लगा सकते हैं। ये कॉमनली हमारे पास एक बंदा मौजूद है जिसको हम कभी भी बीच में शामिल कर सकते हैं। कंपटीशन की जितनी भी स्टडीज हैं, सबसे ज्यादा जो है पोर्टर ने उस पर काम किया। चार फेजेस
हर प्रोडक्ट, हर सर्विस, हर चीज, हर सेगमेंट, इवन हर मार्केट, इन सारे फेजेस से गुजरती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज आता है, एक एक प्रोडक्ट या एक मार्केट नई डेवलप होती है, आहिस्ता 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 खास जगह पे पहुंचती है, फिर अचानक से एक उसमें जंप आता है, वो तेजी से ग्रो करना शुरू कर देती है, ये ग्रोथ वाला फेज है। फिर ग्रो करते हुए खास जगह पे मैच्योरिटी पे पहुंचती है, और मैच्योरिटी के बाद वो डिक्लाइन की तरफ। तो अगर आप गौर से देखें तो जो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ के दरमियान, मैं कह सकता हूँ यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, जो अभी एक प्रॉमिसिंग मार्केट में अपना शेयर बना रहा है, ग्रोथ आई है लेकिन शेयर कम है, अभी तेजी से ऊपर जा रहा है। हम मैच्योरिटी और ग्रोथ के दरमियान कह सकते हैं कि स्टार्स हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, अभी उसमें मजीद गुंजाइश है ऊपर जाने की, खास जगह पे जाएंगे फिर जाके मैच्योर होंगे, मार्केट का शेयर भी उनके पास है। मैच्योरिटी पे किस तरह की प्रोडक्ट को कह सकते हैं, वो मैच्योर हो गए, खास जगह पे पहुंच के रुक गए हैं, बस अब उसमें से जितना निकल सकता है, और देन डिक्लाइन, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे जाते जाते आगे जाके वो प्रोडक्ट डॉग बन जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आप कहेंगे कि हम इसको फारिग कर दें। बहुत सारी चीजें इसी तरह से होती है। टाइपराइटर दुनिया में कभी आए थे, इंट्रोड्यूस हुए, फिर उसके बाद इतना, जब से हैंड रिटन लेटर से लोग टाइपराइटर पे शिफ्ट हुए, तो उसकी मार्केट को इतना बूम था कि लोगों ने, इवन बिजनेसमैन ने घर में टाइपराइटर खरीद के रखने शुरू कर दिए। चलते 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 एक बड़ा पीक टाइम आया, और उस टाइम पे जो है, जिस बिजनेसमैन के पास टाइपराइटर नहीं होता था, लोग समझते थे कि इसको तो बिजनेस करना ही नहीं आता, क्योंकि किस तरह से टाइप करता होगा, ये हाथ से लिखता होगा लेटर्स। और उसने बड़ा एक अरसा मेच्योरिटी का गुजारा, और उसके बाद कंप्यूटर्स ने उसका बड़ा रख कर दिया। ईद कार्ड्स एक टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए, एक टाइम पे ग्रो किए, और फिर अगेन आप लोगों ने शायद वो जमाना नहीं देखा, या आपने बिल्कुल जाते जाते का वो जमाना देखा होगा। हमारे टाइम पे ईद का मतलब यही होता था कि आपने 8-10 दिन पहले जो है वो कम से कम अपने हर फ्रेंड के लिए एक ईद कार्ड तो लाजमी लेके आना है। अलग अलग डिजाइन के ईद कार्ड होते थे, अलग अलग रुपए पैसे के, अलग अलग उस पर शक्लें बनी हुई होती थी, और उसके अंदर आपने फिर अलग अलग शेयर लिखने होते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और वो इस तरह से करके मेरा दोस्त लाखों में एक। तो वो जमाना था, और उस वक्त तो ईद पे इतनी चूड़ियां, मेहंदी नहीं बिकती थी जितने ईद कार्ड बिकते थे, पूरे पूरे स्टॉल्स लग जाते थे। बट आज वो ईद कार्ड कहाँ है, व्हाट्सएप में चले गए, व्हाट्सएप खा गया मोबाइल। इतनी सारी इंडस्ट्रीज का दुश्मन उनमें से एक इंडस्ट्री, में बताना ही चाह रहा था कि बहुत सारे बिजनेस जो आपको आज चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक खास टाइम पे जाके फारिग हो जाते हैं। जैसे एसीज इस वक्त मेच्योरिटी पे हैं, और डिक्लाइन और मेच्योरिटी के दरमियान फिर रहे हैं, इन्वर्टर्स आहिस्ता आहिस्ता इनको फारिग करना शुरू हो गए, लैपटॉप्स मेच्योर हो चुके हैं, लैपटॉप में मजीद ग्रोथ नहीं है, और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है इतना भारी सामान उठाना है, एक पतला दुबला सा टैब पकड़ेंगे और उसी पे, और आहिस्ता आहिस्ता तो अपने मोबाइल को ही कंप्यूटर बना लेंगे, और उसी के साथ चार गैजेट लगा के और उसी को कंप्यूटर बना के उसके साथ काम करना शुरू कर देंगे। पेट्रोल वाली गाड़ियां सब मेच्योरिटी पे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग, ये मसले वो मसले, पेट्रोल की किल्लत, और ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो आहिस्ता 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 अभी, अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक कार को हम कहेंगे कि वो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ के दरमियान है, ठीक है, पेट्रोल वाली कार्स मेच्योरिटी पे, और उसके अलावा पुरानी डीजल वाली ज्यादा कंजम्पशन वाली गाड़ियां डिक्लाइन। जी अब अगेन कहने का मतलब ये है कि जब मैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ, तो किसी एक मुल्क में शायद ये साइकिल चल रहा हो, किसी दूसरे मुल्क में कोई और साइकिल चल रहा हो। मतलब यहाँ पे इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोडक्शन के फेज में, एक तरह से दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे मेच्योरिटी के फेज पे पहुंचे हुए हैं इलेक्ट्रिक। आपको पता है इलेक्ट्रिक कार्स बहुत पहले भी हुआ करती थी, जिसको खत्म करके आहिस्ता आहिस्ता, 2000 तो फिर बहुत आगे की बात है, ये 1970 वगैरह के आसपास होती थी, ठीक है भाई ने रिमोट कंट्रोल कार भी बीच में जो है ना, एक डिफरेंट मार्केट की एग्जांपल डिफरेंट मार्केट में दे दी, लेकिन चले कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो मतलब इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो उनके साथ भी इसी तरह से, सेम गोज विद इवन ACCA। ACCA एक पूरी डायमेंशन, एक पूरी डोमेन है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ हुई, एक बड़े हाइक पे पहुंचा, मेच्योरिटी पे पहुंचा, इतने सारे लोग पाकिस्तान में, 2 लाख बच्चे इसके रजिस्टर थे, उस मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन आया, और इस वक्त वो डिक्लाइन वाले फेज में, लेकिन कुछ कंपनियां डिक्लाइन वाले टाइम पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उसकी मेच्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं,
उसे गिरने नहीं देते। जैसे भाई ने कहा डॉलर्स वालों ने एसी को चलाते रहने की कोशिश की, तो अक्सर लोग उस मेच्योरिटी को डिक्लाइन भी नहीं आने देते, उसमें थोड़ी सी कोई इनोवेशन करते हैं और उसको दोबारा से अपलिफ्ट कर देते हैं। ACCA, yes, ACCA ने यूके का वीजा ऑन कर दिया। अब ACCA जो है वो दोबारा से, मतलब वो अपनी वो मेच्योरिटी से डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, वो दोबारा से ऊपर की तरफ आके फिर मेच्योरिटी के आसपास आके खड़ा हो जाएगा, या एक नई तरह से मार्केट डेवलप हो जाएगी, या उन लोगों की मार्केट जो वीजा लेने के लिए पड़ते हैं। जी पाकिस्तान ACCA को जी फर्म्स के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से इंडक्शन ओपन होना शुरू हो गई ACCA की। ICAP ने इनको CA का रूप बंद कर दिया था कि ACCA की बेस पे इनको कैफ एग्जम्प्ट हो जाता था, वो उन्होंने खत्म कर दिया। वो खत्म किया तो उससे अच्छा खासा डिस्करेजमेंट हुई। दूसरा, हमारी मार्केट भी इतनी प्रॉमिसिंग नहीं थी, ACCA वाला खर्चा इतना करता था, उसके तो वो पैसे नहीं पूरे होते थे नौकरी करके, तो मुल्क से बाहर जाने में फायदा होता था। तो हम देखने ही चाह रहे हैं कि एक लाइफ साइकिल बेसिकली एक पीरियड है फ्रॉम बर्थ और क्रिएशन ऑफ एन आइटम टू द एंड ऑफ इट्स लाइफ। आगाज से इख्तिताम तक एक पूरा साइकिल है। प्रोडक्ट्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज ऑल हैव लाइफ साइकिल। हर इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल है, हर कंपनी की लाइफ साइकिल, हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, ये इनका मानना है। क्लासिकल लाइफस्टाइल जो लाइफ साइकिल है उसकी ये चार फेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। चंद एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, मैच्योरिटी, लैपटॉप, फैक्स, क्रेडिट कार्ड। इंट्रोडक्शन फेज में स्मार्ट ग्लासेस। एक काम करते हैं, सेम डायमेंशन में चलते हैं। पर्सनल पीसी कंप्यूटर्स डिक्लाइन पे, खत्म हो गए, नजर नहीं आते। लैपटॉप्स मैच्योरिटी फेज में, टैब्स एंड स्मार्टफोन्स ग्रोथ फेज में, और स्मार्ट ग्लासेस वो जो गॉगल्स के अंदर ही आपको जो है वो छोटी सी स्क्रीन और वो सारा कुछ वो होता है, तो इसके ऊपर काफी काम हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया इस प्रोडक्ट को उस तरह से नहीं समझ पाई। अदरवाइज आपका मोबाइल आपके ग्लासेस में, कि वहीं पे ही आपने वो कर रहे हैं, आपकी वॉइस से ऑपरेट कर रहा है, आंख के आगे छोटा सा वो एक वो आया हुआ लेंस, और उसी में ही जनाब आप जो है गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं, उसी से ही आप मैप्स की डायरेक्शन ले रहे हैं और सारा कुछ। एक भाई हंस रहे हैं कि उसमें फिल्म तो मजे की नहीं लगेंगी। वो आंख के इतना करीब है कि वो आपको लगेगा कि एक बड़ी स्क्रीन, जब VR बॉक्स पे भी आपको सैनमे जैसी फील आ सकती है, तो कुछ तो सोचा होगा कंपनियों ने। अच्छा, इसी तरह से हैंड रिटन लेटर, खत्म, डिक्लाइन। फैक्सेस, मैच्योरिटी। ईमेल ग्रो कर रही है, ये समहाउ मैच्योरिटी पे पहुंची भी है। जी फैक्स अभी भी इतना ज्यादा खत्म नहीं हुआ, यानी बिजनेसेस में अभी भी काफी हद तक यूज हो रहा है। जब भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल को कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो फैक्स स्टिल यूज हो रहा है, लेकिन वही बात है कि मैच्योरिटी और डिक्लाइन के दरमियान में अटका हुआ। यानी अगर हम बात करें हैंड रिटन लेटर की, तो उसको वो तो खत्म हो गया, अब फैक्स के खत्म होने की बारी है। ईमेल इधर आ जाएगा, फैक्स आगे चला जाएगा, और पीछे कोई और प्रोडक्ट आ जाएगी। और ई कॉन्फ्रेंसिंग इंट्रोडक्शन फेज में, ठीक है, अब लोग जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, अब लोग जो है वो गो टू वेबिनार पे क्लासेस कर रहे हैं, ये चीजें 2 साल पहले इतनी ज्यादा नहीं नजर आ रही थी, ये नजर आना शुरू हो गए। जी अब अगेन वही बात है कि शायद किसी मुल्क में ये इस लाइफ साइकिल मॉडल का ये एक नुकसान है कि एक मुल्क में आपको और फेज नजर आ रहा होता है, दूसरे मुल्क में और फेज नजर आ रहा होता है। पाकिस्तान में अभी तक मीटिंग्स करने के लिए ई कॉन्फ्रेंसिंग अभी भी वो जगह नहीं ले पाया। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, हम खुद एम्बेसडर हैं ऑनलाइन के, हम बात करते हैं कि जी ऑनलाइन जिद्दत होनी चाहिए, फलाना फलाना फलाना, मुझे अपनी टीम वालों से मीटिंग करनी है, तो आज मैं अपने ऑफिस से उठ के उनके ऑफिस जाऊंगा ताकि हम फिजिकली बैठ के मीटिंग करें, क्योंकि ऑनलाइन मजा नहीं आता मीटिंग का। वो जो पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि ऑनलाइन जबरदस्त चीज है, ठीक है, वो खुद भी अभी उतना ज्यादा शिफ्ट नहीं हो पा रहे, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिलक्टेंस हैं। एक टाइम आएगा कि लोग फिजिकली मिलना ही नहीं चाहेंगे, वो कहेंगे ठीक है जब जूम मौजूद है तो जूम पे मीटिंग कर लेते हैं, क्या जरूरत है मिलने की। तो इस वक्त हम अपने मुल्क में अगर बात करें तो हम इस वक्त इंट्रोडक्शन फेज में, लेकिन कुछ मुल्कों में ये मैच्योरिटी पे पहुंचा हुआ होगा, कुछ मुल्कों में ये ग्रोथ पे होगा। तो ये इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के नुकसान है कि ये आप अलग अलग एरिया में अलग अलग इसको परसीव कर रहे होते हैं। चेकबुक तकरीबन खत्म हो रही है। मुझे याद है कि आज से 7 साल पहले मैंने एक दफा चेकबुक निकलवाई हुई थी जो जिसमें 100 चेक्स थे, और तकरीबन 6 महीने बाद मुझे दोबारा निकलवानी पड़ गई थी। और आज से 5 साल पहले जब मैंने चेकबुक निकलवाई उसमें भी 100 पेजेस थे, और अभी तक वो आधी इस्तेमाल नहीं हुई।
क्योंकि अब हम ऑनलाइन ट्रांसफर्स कर रहे हैं, अब हम इस तरह के काम कर रहे हैं, अब हम ऐप्स को यूज कर रहे हैं, अब हम कोशिश करेंगे ज्यादातर चीजें डिजिटल तरीके से चलें, ठीक है। अब अगेन वही बात है कि क्रेडिट कार्ड्स मैच्योरिटी फेज पे हैं इस वक्त, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स मैच्योरिटी फेज पे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको कुछ और लोग रिप्लेस कर देंगे। स्मार्ट कार्ड्स, सिम वाले चिप वाले कार्ड्स जो कि जिसमें आपकी चीजें सेव हैं और सारा कुछ, और आयरस बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड जो कि टोटल का टोटल आपके बिल्कुल यूं समझें कि आपके जीन से कनेक्टेड है। एक टाइम आएगा कि आप जो है बस मशीन से गुजर जाया करेंगे, ऑटोमेटिकली वो स्कैन भी कर लेगी और सारा कुछ वो हो जाएगा। किसी जगह पेमेंट करनी होगी, वो कहेंगे जी पेमेंट आपने करनी है, आप कहेंगे हाँ, और पेमेंट हो जाएगी, है ना, मजे की बात। तो दुनिया पता नहीं कहाँ पे पहुंची हुई है। ये जो कोविड की वैक्सीनेशन के थ्रू जो चिप डालनी थी, याद है वो जो एक मिथ बनी हुई थी कि ये माइक्रोसॉफ्ट वाले हमारे दिमाग में चिप डाल देंगे वैक्सीन के थ्रू, वो यही खौफ था कि वो आपको जेनेटिकली आप एक पूरे इंसान को वो बना देंगे डेबिट कार्ड, कि एक इंसान अपने ही जीन से कंट्रोल कर रहा होगा अपनी ट्रांजेक्शंस को। तो दुनिया भाई 6G 7G के बारे में बातें कर रही है, हमारा 4G जो है वो कमरे के अंदर सिग्नल नहीं आते। खैर बातें समझ आई। ऐसे ही है, मतलब देखिए दुनिया बड़ी आगे पहुंची हुई है। पॉइंट ये है कि हम हर मुल्क में उस मुल्क के हिसाब से सोचते हैं, ये इसका सबसे बड़ा वीकनेस है, सबसे बड़े, क्यों, आप एक मुल्क में वो चीज डिफरेंट होगी। ACCA इंडिया में भी ग्रोथ पे है, इंडिया ने बड़े अरसे से घुसने नहीं दिया था, वो इंडिया में एंटर हो गए, वो ग्रोथ पे। अफगानिस्तान में मैच्योरिटी के करीब पहुंचने वाले ACCA। आपको अफगानिस्तान सुन के ऐसा क्यों लगता है कि हर वक्त धमाके हो रहे होंगे? क्योंकि आपको मीडिया ने दिखाया है, जब बाहर वाले हमारे कराची के हालात देखते हैं तो उनको भी लगता है कि पाकिस्तान हर वक्त तबाह हो रहा होगा, जब सवाद की वीडियोस देखते हैं तो उनको यही लगता है। तो अफगानिस्तान काफी सारी डायमेंशन में पाकिस्तान से ज्यादा सेफ मुल्क है। खैर वो तो मतलब अलग अलग, वो तो पोस्ट से हमें पता लगता है ना, असल में जाके सर्च करें तो कई बार थोड़े से स्टाइल डिफरेंट होते हैं। खैर उधर अमेरिका ने अच्छा खासा काम किया है उस मुल्क को, अच्छा खासा उन्होंने उसके ऊपर वो किया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इस बरसगीर पे लगा के गई थी पैसा, इस तरह से अमेरिका वहां लगा के गया। हाँ तो अमेरिका भी कौन सा कम लेके गया जी, बातें समझ आ रही है। अब सोचना है, सोचने की ऑप्शन ये है कि मैं आपसे कहूं आप सोचें और फिर पढ़ें, लेकिन मैं आप पे कितना भरोसा कर सकता हूं? उससे ज्यादा बेहतर ये है कि मैं 3-4 इजाफी मिनट लेके आपको कुछ चीजें दिखा दूं, तो शायद ज्यादा बेहतर ये बात है बजाय इसके कि मैं आप पे कुछ जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लूं। ये अब आपने देखना है, ये 4 फेजेज हैं, और अब जो सामने टेबल है उसमें पहला फेज होगा इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी और देन डिक्लाइनिंग। अब आपने देखना है कि इस लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस में जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं उनके साथ क्या होता है। सेल्स इंट्रोडक्शन में लो होती हैं, फिर तेजी से बढ़ रही होती हैं, पीक पे पहुंच जाती हैं। अब जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग आती है या जिसको कम से कम थोड़ी सी मैथ आती है वो अगली बात समझेगा। पर यूनिट कॉस्ट हाई होती है इंट्रोडक्शन, एवरेज होती है ग्रोथ में, लो होती है मैच्योरिटी पर, इवन डिक्लाइनिंग में भी लो ही रहती है अनलेस कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ही कम होते हैं। याद में मेरा दिल रखने के लिए हाँ हाँ का है ना, ये लॉजिक समझ आती है आपको। गुड, प्रॉफिट नेगेटिव होता है, राइजिंग होता है, हाई होता है, डिक्लाइनिंग। कंपेटिटर्स इंट्रोडक्शन में कम होते हैं क्योंकि अभी वो चीज इंट्रोडक्शन में अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। फिर आप ग्रो कर रहे हो तो लोग कहते हैं ये अकेला क्यों कमा रहा है, वो आपके साथ आगे रेडी डाल लेंगे, कहेंगे जी अच्छा जी ये तो बड़ी मजे की मार्केट है, हम भी खेलेंगे। ग्रोइंग, फिर पीक पे स्टेबल हो जाते हैं कि चंद प्लेयर्स हैं, अब नए लोग आ नहीं रहे, वो कह रहे हैं मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हुई है, चंद हाथों में चल रही है, वो 5 forces अप्लाई करके किसी और बिजनेस में घुस जाते हैं। और फिर डिक्लाइनिंग नंबर, जब एक इंडस्ट्री डिक्लाइन पे तो आहिस्ता आहिस्ता कंपेटिटर्स भी बुरे टाइम पे तो दुश्मन तक साथ छोड़ जाते हैं। वो तो एक कॉमन बात है ना कि दो साथ छोड़ जाते हैं, अगर वो करता तो खास बात क्या थी। मैं कह रहा हूँ बुरे टाइम पे तो दुश्मन तक साथ छोड़ जाते हैं, ये क्या है, कंपेटिटर्स के डिक्लाइनिंग नंबर। जब जवाल आया तो कंपेटिटर भी छोड़ गए आपको, उन्होंने कहा जा भाई तू कल्ला खेल। तो मुश्किल टाइम में दुश्मन भी छोड़ जाते हैं जी।
सर ये जो प्रॉफिट्स में जो ये मैच्योरिटी में अगर वो गवर्नमेंट प्रॉफिट का आदि हो गया ठीक है सर फिर वो गवर्नमेंट प्रॉफिट का भी डिक्लाइन जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट का मतलब अब आपके प्रॉफिट नीचे की तरफ जा रहे हैं, उस पीक से नीचे की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है अभी आप ग्रोथ के करीब पहुंचे या इवन इंट्रोडक्शन से तो ऊपर ही हो, लेकिन उस पीक से नीचे चले गए। कुछ और फैक्टर्स है, मैंने कुछ फैक्टर्स पढ़ा दी, अब मुझे थोड़ा सा तसल्ली है कि बाकी फैक्टर्स आप देख के परेशान नहीं होंगे। प्रमोशन की बात करते हैं, हैवी सेल प्रमोशन करेंगे आप शुरू में, क्या ख्याल है? इंट्रोडक्शन जब ग्रोथ होगी तो आप उतनी हैवी नहीं जितना बिल्कुल एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए काम करना पड़ रहा था, आप जो है वो थोड़ा सा उसको कम कर देंगे लेकिन स्टिल आप करते रहेंगे। देन पीक पे आप दूसरों का शेयर तोड़ने के लिए दोबारा से बढ़ा देंगे, क्योंकि अब आपने इतनी मार्केटिंग करनी है कि लोगों को लगे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और दूसरों की प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, और देन आप इसको डिक्लाइनिंग में रिड्यूस कर देंगे, मिनिमम लेवल पे ले आएंगे कि आप खर्चा करने का फायदा कोई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं। लेकिन कुछ बिजनेसेस डिक्लाइन वाले फेस पे इन्वेस्ट करके उसको दोबारा से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जी रहने दें, मैंने 3-4 मिनट मांगे थे, 4 मिनट अभी 3 मिनट पूरे, 1 मिनट अभी भी मेरे पास मौजूद है। असल में एक ऑप्शन थी, मैं यकीन माने मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं आपको ये डायग्राम दिखा के और उसके बाद आपसे कहूंगा कि आपने टेबल पढ़ के आना है, लेकिन इससे पिछला मेरा तजर्बा को बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा तो टेबल दिखा दिया जाए। चलें, अगर आप बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, एक मिनट में हम जितना पढ़ सकते हैं जल्दी से। हाँ 3 दिन आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा। और फिर ऊपर से ये टेस्ट में भी तो आएगा, कितना मजा आएगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप देखेंगे। चलें टेस्ट में इसका आसान सा वर्जन कर लेंगे, खुद से करेंगे तो पता लगेगा। जल्दी से एक लाइन और देख लें, कौन सी लाइन देखनी है? पहले वाली ऑब्जेक्टिव्स। इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव है क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस ट्रायल, आप लोगों को बता रहे होते हैं ये क्या चीज है, ट्रायल दे रहे होते हैं, अंदाजा दे रहे होते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई ये इस तरह की चीज है, ये ऐसे होती है। देन यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रोथ में, कि मार्केट शेयर पे हमला करूं, मैं मैक्सिमम मार्केट शेयर की तरफ जाऊं, अपना शेयर बढ़ाता चला जाऊं। यहाँ पे जब मैच्योरिटी है तो मार्केट शेयर आपको नहीं चाहिए, वो तो आपके पास है, आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और अपने कंपेटिटर्स को ऐसा ऐसा तंग करके थोड़ा सा शेयर लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। और देन एंड पे रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड, याद है कैश कॉस्ट के साथ जो हम करते थे कि ठीक है अब इसमें से जितना निकल सकता है वो निकाला जाए। तो ये इस तरह से अब इसमें से एक दो रोज ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़ी, और बेनिफिट और लिमिटेशन, लिमिटेशन वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा से डाली है। ठीक है जी, जितना हमने पढ़ा है बस आप इतना देख के आइएगा। तो फिर अब हमारे पास मॉडल्स 3 हो गए, 5 फोर्सेस है ना, और आपको समझ भी अब मजेदार आ गया। तो 5 फोर्सेस BCG लाइफ साइकिल क्योंकि अभी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना है, तो इसके ऊपर अगर सवाल खुदा ना खास्ता आया तो वो हल्के नंबर का आएगा। अभी तक जितना पढ़ा है, अब हमने टेस्ट के बाद बस ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म करके आगे बढ़ जाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हमारे MFA में मैनेजरियल पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं करंटली। जी अगर आपको अच्छा लगे या आपको इजी लगे तो आप। जी दो चीजें पूछना है आपसे, ये कि सर ये डिक्लाइन है।